नमस्ते। हाय। सलाम। बालदूत को चिट्ठी आने लगी है, इसमें से हाँ ये मजेदार है, पढ़कर सुनाता हूँ। प्रिय बालदूत, मतलब मैं नहीं, मैं सभी सुनो तो, मैं हमेशा तुम्हारा कार्यक्रम देखता हूँ। कभी कभी क्रिकेट या और किसी कारण से कार्यक्रम नहीं दिखाते तो उदास हो जाता हूँ। कार्यक्रम केवल मैं ही नहीं, लेकिन चोरी चोरी माँ, बड़े भैया जो कॉलेज में हैं, और दादी माँ भी देखती है। चोरी चोरी क्यों, खुलेआम देखें? और तो और, हमारा कुत्ता बल्लू भी बहुत शौक से देखता है। बल्लू का कहना है कि बहुत घरों में पालतू जानवर दोस्त बालदूत देखते हैं, तो क्यों नहीं कभी उनकी पसंद का भी ख्याल रखें। आज हम एक नई मालिका शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें गुरु और घंटाल ये जोड़ी अच्छे बर्ताव के बारे में कुछ पते की बातें सिखाएंगी। मतलब ढंग से पेश आना, उठना, बैठना, सोना, खाना, खेलना आदि। हर काम का अपना एक तरीका होता है, नियम होता है। मुझे लगता है ये बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये पट्टी पढ़ाने का काम घर में और स्कूल में होता ही रहता है, अब बालदूत में भी वही। खैर, देखते हैं। गुर 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 घंटाल आए हैं, गुरु घंटाल, इनके नजरिए से देखो दुनिया का हाल। गुरु घंटाल, चल चल, अरे जल्दी चल, अरे देख क्या रहा है घंटाल, जल्दी चल, कैमरा रोलिंग है, चल जल्दी। ओ हेलो। हम लोग यानी कि गुरु और घंटाल जब भी बाहर से होकर घर लौटते हैं तो पहले अपने हाथ पांव धो लेते हैं। जी हाँ, और यही है आज की यूजफुल टिप का विषय। और अब घंटाल मेरा चेला आपको हाथ पांव कैसे धोते हैं इसका प्रात्यक्षिक दिखाएगा। चलो घंटाल, जल्दी दिखाओ। गुरु देखो तो, मैं चमक तो रहा हूँ ना। हाँ हाँ घंटाल, मगर तुम रुक क्यों गए, अभी तक तुमने हाथ पांव ठीक से कहा धोए? वहाँ देखो नाखून के पीछे कितना मैल है, हाथ पैर एकदम साफ हो जाने चाहिए, एकदम चकाचक। शायद आपको इस चेष्टा में बोरियत लगेगी, लेकिन अगर आपको अपनी रक्षा कीटाणुओं से करनी है तो हाथ पांव धोना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और वो क्या है ना कि वो जब अब देखिए ये स्वास्थ्य कारक तो है ही, पर जब आप ठंडे पानी से पैर धोते हैं तो पैरों का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री से कम हो जाता है, इसी वजह से बाकी शरीर की गर्मी पैरों की तरफ खींचती है, इससे दिमाग ठंडा रहता है और अच्छी भूख भी लगती है। हाँ, और अब मैं घंटाल आपको बताऊंगा। घंटाल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब बड़े बात करते हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझ गए? अब चुपचाप वहीं पर बैठे रहो। हाँ तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप सब हाथ पैर धोने के महत्व को बराबर समझ गए हैं और आज से इसका अनुसरण जरूर करेंगे। क्यों? No fear when guru here. अरे गुरु के बच्चे, ये क्या किया, पूरा मैट खराब कर दिया, न जाने कब इसे अकल आएगी और समझेगा साफ सफाई का मतलब। वाह गुरु वाह। गुरु घंटाल। ए टिल्लू, गुरु और घंटाल को हम बालदूत में बुलाते रहेंगे। हा? हाँ क्यों बल्लू, तुम्हें दोस्त पसंद आए होंगे ना। अपना नक्शा, मैं पुणे से बालदूत धवल केरकर, मैं आज आपकी मुलाकात एक अनोखी चाची से करवाने वाला हूँ, कौवा काकी। उनका असली नाम है डॉक्टर शकुंतला मांडके, उन्हें रेशमा की माँ भी कहते हैं। वो रही, रेशमा जा रही है। ये सोनू एक हंस, पट्टे वाला हंस, बार हेडेड गूस। वैसे तो चाची को हंस चाची कहना चाहिए। चाची ने अपने हंस को बहुत कुछ सिखाया है। सोनू बड़ा होशियार हंस है, वो माला दिखाता है, चूड़ियां बताता है, और तो और
घड़ी बताता है जैसे समय दिखा रहा हो, और कान का गूंदा तो उसे बहुत भाता है। सोनू जब चाची को मिला तब वो बहुत छोटा था। किसी दुष्ट ने उसके पैर बांधकर उसे सड़क पर फेंक दिया था। जाहिर है सोनू अब भी बाहर की दुनिया से कतराता है, इसीलिए चाची उसे घर के अंदर ही अंदर कवायद करवाती हैं। रेशमा और सोनू दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं। सोनू बेफिक्र है क्योंकि रेशमा जो साथ है, और रेशमा भी अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। नहाने का मौका मिलना चाहिए, फिर देखिए सोनू का कमाल कैसे गोते लगा लगा कर नहाता है। पानी तो जैसे जान है सोनू की। आह क्या ताजगी। लेकिन सोनू से पहले एक कौवा था। चाची को एक कौवे का पिल्ला सड़क पर गिरा मिला, उसे उठाकर ये घर ले आई। उसे पाला पोसा बड़ा किया, दिन भर वो उनके साथ रहता। उनके कंधे पर या सिर पर बैठकर उनके साथ साथ दवा खाने भी चला जाता। जैसा भी बड़ा हुआ तो उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वापस सब दोस्तों को साथ लेके आता है। सब दोस्त बाहर बैठते हैं, वो अंदर आता है, इधर बैठता है, कंधे पे बैठता है, सर पे बैठता है, मिलके पपी देके फिर सब लोग साथ साथ चले जाते हैं। ये तो कमाल का हंस था। और वो चाची भी कितने कमाल की थी, है ना? हाँ, जो लोग दुखी और बेसहारा जानवरों का ख्याल रखते हैं, वो लोग सचमुच कितना पुण्य कमाते होंगे। टिल्लू मेरी एक दोस्त है, वो बता रही थी। हमारे पहचान के एक अमरूद बेचने वाले हैं। उन्होंने एक बंदर पाला है, उस बंदर का एक हाथ नहीं। पहले ये बंदर एक ट्रक वाले के पास था, मगर एक दिन जब इस बंदर ने उसके जरूरी कागजात फाड़ डाले तो गुस्से में आकर ट्रक वाले ने बंदर की जमकर पिटाई की और उसका एक हाथ भी तोड़ डाला। अमरूद बेचने वाले फिर बंदर को छुड़ाकर अपने घर ले आए। अब ये बंदर राजू रोज असिस्टेंट बनके उनके साथ जाता है अमरूद बेचने। अरे उसका तो एक ही हाथ है। हाँ एक ही हाथ है। क्या ये अमरूद बेचने में आपकी मदद करता है? हाँ करता है कभी कभी, ये बेचने से ज्यादा खाई डालता है। ये कितने का है? 2 रुपया का है। अच्छा ये लीजिए। ये बंदर लीला देखी और अमरूद वाले का पशु प्रेम भी देखा, उससे मुझे एनसिप की एक पुरानी फिल्म याद आई, नाम है सिकंदर। गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था बैठन। वहां एक महान संत रहा करते थे, संत एकनाथ। उन्हें संसार के प्राणी मात्र से प्रेम था, मनुष्य और पशु की वे समान भाव से सेवा करते थे। कहते थे कि सब भगवान के ही बालक हैं। एक बार संत एकनाथ अपने शिष्यों के साथ काशी से गंगा नदी का पवित्र जल लेकर रामेश्वर जा रहे थे। इस जल को रामेश्वर की मूर्ति पर चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा विश्वास है। ये यात्रा बहुत कठिन और लंबी थी। रास्ते के अनेक कष्टों को झेलते हुए भी उन्होंने इस पवित्र जल को बहुत ही परिश्रम से संजो कर रखा था। गर्मी के दिन थे, कड़कती धूप थी और अभी पूरा रेगिस्तान पार करना था। बहुत ही संयम के साथ ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब रामेश्वर दूर दूर से दिखाई पड़ने लगा। इतने में ही संत एकनाथ की दृष्टि एक गधे पर पड़ी जो प्यास से तड़प रहा था। वह जलती हुई रेत पर अधमरा पड़ा हुआ था, उसमें हिलने डुलने की ताकत भी नहीं थी। संत एकनाथ दौड़कर उसके पास पहुंचे और अपने पास का गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया। गधे में फिर से जान आ गई और वह झट से खड़ा हो गया। शिष्यगण गुरु के इस कार्य से बहुत रुष्ट हुए। वे बोले, महाराज कितने कष्ट और परिश्रम के साथ यह पवित्र जल यहां तक लाए थे और आपने उसे इस अपवित्र पशु को पिला दिया,
अब हम रामेश्वर जाने के लायक नहीं रहे। वहां खाली आज जाकर क्या करेंगे? सारी यात्रा बेकार गई। गधे की पीठ पर हाथ फेरते हुए संत एकनाथ बोले, बालकों, यदि यह पशु प्यासे मर जाता तो क्या भगवान रामेश्वर हमारे गंगाजल को पाकर प्रसन्न होते? भगवान सब ओर व्याप्त हैं। भगवान रामेश्वर स्वयं उस पशु में है। वो प्यासा था, हमारे प्रेम का प्यासा। हमारी यात्रा यही पूरी हुई, अब हमें आगे जाने की क्या आवश्यकता? ओके सर। ओ नमस्ते। हाय। आज हम एक नई मालिका शुरू करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बड़ी दिलचस्प रहेगी। उसमें क्या क्या होगा? ये तो डॉक्टर फोन के से ही पता चलेगा। वो इस मालिका में हमारे मार्गदर्शक होंगे। हाँ, उन्हें मिलने जाना है अभी। ओह, वक्त तो हो गया। लेकिन सच्ची कहा है? मैं यहाँ हूँ, देर क्यों कर दी है? पता नहीं अपॉइंटमेंट है। और ये वैज्ञानिक लोग वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। मेरे घर मेरा ममेरा भाई आया है, इसीलिए मुझे देर हो गई। ओहो, ये भी कोई बात हुई, उसे भी साथ लेकर आते। नहीं, वो जल्दी में है, वो अमेरिका में रहता है, वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया है। वो कल सुबह की हवाई जहाज से वापस जाने वाला है, उसके पास और टाइम नहीं था, इसलिए मुझे देरी हो गई। तुम नील की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, नील पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे समर फेलोशिप भी मिली है। तो फिर तुम क्यों इतना ऐठ रहे हो? समर फेलोशिप पढ़ाई में अच्छे नंबर पाने से मिलती है। इसके जरिए नील अपनी पसंद के किसी भी वैज्ञानिक से मिल सकता है, उनकी प्रयोगशाला में समय भी बिता सकता है, या फिर अनेक प्रयोगशालाओं की सैर कर सकता है। क्यों, है ना सच्ची? कुछ ऐसा ही है। मुझे सैर वाली बात तो बड़ी मजेदार लगी। ये सैर बस मजे के लिए ही नहीं होती है, कुछ न कुछ सीखने समझने के लिए होती है। बिल्कुल ठीक, नील बता रहा था कि पिछले साल भी उसे फेलोशिप मिली थी। ये फेलोशिप में उसने क्या क्या किया? उसने 15 दिनों की सैर में तरह तरह की रिसर्च देखी, नए नए खोजों के बारे में जानकारी हासिल की। अच्छा? हाँ, पूरे समय उसे ऐसा लगता रहा जैसे वो किसी स्टार ट्रैक में शामिल हुआ हो। विदेशों में तो इतनी बड़ी बड़ी खोजें होती हैं कि बस पूछो मत। काश अपने देश में भी ऐसा कुछ होता। पर अपने यहाँ तो अनुशासन की कुछ कमी है। कमी है? अब यही देखो ना, हमें मिलना है डॉक्टर फोनके से और हम यहीं बैठे गप्पे मार रहे हैं। ओह हाँ, चलो चलो, डॉक्टर फोनके हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाओ। जानकी तुम नहीं आओगी? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठकर दफ्तर संभालूंगी। ओके। ओह थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, बालदूत के संपादक गण, क्या इरादा है आज? इरादा तो नेक है सर, पता नहीं कहां तक सफल हो पाएगा। क्यों, कुछ बातचीत किए बिना ही आप लोगों को शक क्यों होने लगा? आइए बातें करते हैं। ये सच्ची, अब बता दे। क्या? अपने मेरे भाई नील की बात। हाँ। आओ आओ बच्चों। हाँ बोलो। मेरा मेरा भाई नील अमेरिका में रहता है। हाँ? मिशिगन। वो कह रहा था उसे छुट्टियों में खास तरह की छात्रवृत्ति मिलती है। वहाँ के नए नए एक्सपेरिमेंट्स के अजीबोगरीब करिश्मे देख पाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या तुम भी इस तरह सफर करना चाहोगे? हाँ, हाँ, यस। क्यों नहीं, जरूर। क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं, हम भी जा सकते हैं नए नए आविष्कारों के खोज में। लेकिन उसके लिए तो विदेश जाना पड़ेगा। इजाजत कैसे मिलेगी? खर्चे का भी तो सोचो। अरे दोस्त, हमें विदेश जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जरा भी नहीं। फिर क्या मजा आएगा, अपने देश में क्या देखेंगे? वो नए नए चौंका देने वाले, दंग करने वाले अनुसंधान यहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? यह तो एक भ्रम है कि जागतिक स्तर का अनुसंधान केवल विदेशों में ही होता है। इस तरह की कामयाबी तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी हासिल की हुई है। अब ये देखिए, जो विदेशों में बिकता है ऐसा सुपर कंप्यूटर हमारे वैज्ञानिकों ने ही बनाया हुआ है। सुपर कंप्यूटर भारत में?
पुणे में सी डैक यह बनाता है, परम नाम से वह जाना जाता है, और अब तो वह उससे भी शक्तिशाली कंप्यूटर बनाने में व्यस्त है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने बांस के पेड़ देखे हुए हैं? बांस यानी बांबू, जिसे फर्नीचर बनता है, बांसुरी बनती है, कभी कभी तो घर भी बनाया जाता है। गुड गुड। बंबई के एक इलाके में बांबू के पेड़ पर फूल आए थे 30 साल बाद। कई प्रजातियों में तो 60 या 120 साल भी लगते हैं। इसकी और एक विशेषता भी है, जब फूलते हैं तो एक वन में रहे सब पेड़ एक साथ फूल जाते हैं, सारे के सारे, और फूलने के बाद एक साथ मर भी जाते हैं। पर ऐसा क्यों? प्रकृति का नियम जो है। किंतु हमारे वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर का तंत्र अपनाते हुए एक ऐसे प्रजाति का विकास किया है जो चंद हफ्तों में ही फूलने लगता है, नए बीज का भी निर्माण करता है। तब तो हम ये बांस खुद देखकर तसल्ली करेंगे। हाँ तो क्या हम ये बांस देखने जा पाएंगे? बांस ही क्यों, दुनिया की सबसे ताकतवान रेडियो दूरबीन भी आप देख पाएंगे। कहाँ? वहाँ अपने पुणे के नजदीक नारायण गांव में ही यह बन रहा है, और उसका उपयोग करने की सुविधा पाने के लिए दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिक कतार में खड़े हो गए हैं। वाह, मतलब विदेश से भारत आकर वो अपना अनुसंधान करेंगे। बिल्कुल ठीक समझा तुमने चंद्र। अच्छा आप तो जानते हैं कि अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का देहांत एक मानवीय बम के विस्फोट से हुआ था। तब उनका शरीर इस तरह छिन्न विच्छिन्न हो गया था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। उस आतंकवादी के उस काले करतूत से पूरा देश हिल गया था। देश ही क्यों, पूरी दुनिया को झटका लगा। और उस समय ठीक पहचान कराने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम के आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग किया गया था, इसलिए हमें कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ अपने हैदराबाद में ही यह शक्तिशाली तंत्रज्ञान आज उपलब्ध है। तो क्या डीएनए फिंगरप्रिंट से मरे हुए आदमी की पहचान हो पाती है और असली गुनहगार का पता लग सकता है? हाँ, उस तरह के काम में भी उसका प्रयोग किया जा रहा है। किंतु हैदराबाद के जिन वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया वो तो किसी और काम में ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जंगलों में जो शेर की प्रजाति आज नष्ट हो रही है उसका जतन करने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या वो वैज्ञानिक शेरों के बीच काम करते हैं जंगल में जाकर? जी हाँ, और इस तंत्र के लिए जिस खास रसायन की जरूरत होती है वो तो एक जाति के सांप से ही मिलता है, उसका नाम है बैंडेड क्रेट। बाप रे, सांप और शेर। कई बार तो प्रकृति ही अड़चनों का पर्वत सामने खड़ा कर देती है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई सर। अच्छा, कोकण रेल का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ, मैं तो उसे सफर भी कर चुका हूँ।